मित्रों, आज 23 सितंबर है और ये कोई आम दिन नहीं है। आज ही के दिन करीब 101 साल पहले भारत के राजपूत रणबांकुरों ने इसराइल को आजाद कराया था। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे युद्ध के बारे में बताएंगे जिससे हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था। राजपूतों ने इस युद्ध में जो रणकौशल दिखाया, जो शौर्य दिखाया, जो साहस दिखाया, उसकी चर्चा विश्व भर में आज तक होती है। वो अलग बात है कि भारत में ये इतिहास गायब है, पर इस युद्ध के चर्चे आपको इजरायली और ब्रिटिश इतिहासकारों की किताबों में मिलेंगे। उन इतिहासकारों और रक्षा विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा है कि ऐसा युद्ध न तो आज तक हुआ और न ही कभी होगा। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भारत में न होकर सात समुद्र पार हुआ था, लेकिन उस युद्ध में महागाथा भारतीय रणबांकुरों ने लिखी थी। इस युद्ध की सबसे अद्भुत बात ये थी कि जहां हाइफा पर पहले से कब्जा जमाए हुए ऑटोमन सेना के पास मशीन गन तोपों जैसे हथियार थे और भारत के राजपूतों के पास सिर्फ उनके वफादार घोड़े और तलवारें थीं, मतलब तलवारों और घोड़ों का मुकाबला सीधा मशीन गन और तोपों से था, वो भी एक अनजान जगह पर। बात प्रथम विश्व युद्ध की है, जब सात समुद्र पार आज के इसराइल देश पर ऑटोमन सेना का कब्जा था। ऑटोमन सेना में जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया जैसे देश शामिल थे और इस सेना ने पिछले 400 साल से इसराइल के मुख्य शहर हाइफा, जो कि समुद्र के किनारे बसा है, उस पर अधिकार किया हुआ था। अंग्रेजी सेना ने इसे छुड़ाने के बहुत प्रयास किए, पर हर बार शिकस्त ही मिली। इसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने भारत की घुड़सवार सेना से मदद ली। उन्होंने जोधपुर महाराज सर प्रताप सिंह से इस युद्ध के लिए देश की सबसे ताकतवर घुड़सवार सेना जोधपुर लांसर्स को भेजने की बात कही। आगे युद्ध में जो हुआ उसको आप इन कम और सरल शब्दों में समझिए। सबसे बड़ी बात ये थी कि यह जंग प्रथम विश्व युद्ध में राजपूत रणबांकुरों व ऑटोमन्स सेना के बीच लड़ी गई थी। इसी युद्ध के चलते इसराइल आज भी भारत का आभारी है। उन राजपूत रणबांकुरों के कारण भारत और इसराइल के रिश्ते आज इतने मजबूत हैं। ये विश्व की पहली और आखिरी जंग थी जिसमें तलवार और भालों से सज्जित घुड़सवार सेना का मुकाबला ऑटोमन सेना की मशीन गन और तोपों से हुआ। एक वाकया जिसका जिक्र आज भी होता है, जब अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने मेजर दलपत सिंह से कहा कि आप तलवारों के दम पर ऑटोमन सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, तो दलपत सिंह ने जवाब दिया, हम राजपूत हैं, एक बार युद्ध के मैदान में उतर गए तो वापस नहीं मुड़ते, अब जो होगा वो युद्ध करके ही होगा। भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत कर रहे थे। दुनिया में राजपूतों से बेहतर और बहादुर कैवलरी चार्ज कोई नहीं कर सकता, और राजपूतों में भी मारवाड़ के राजपूतों से बेहतर कैवलरी चार्जर नहीं हुए। ये संयोग ही है कि दुनिया के आखिरी सफल और बहादुर कैवलरी चार्ज भी इसी मारवाड़ के सबसे एलीट जोधपुर लांसर्स के नाम है। मैसूर लांसर्स सहयोगात्मक रोल में थे। सिर्फ एक घंटे में इन राजपूत शेरों ने 400 साल से गुलाम हाइफा शहर को दुश्मनों से आजाद करा लिया। इस युद्ध में 900 भारतीय सैनिक व 60 घोड़े वीर गति को प्राप्त हुए। इन्हीं की याद में दिल्ली में हाइफा चौक का निर्माण किया गया। भारतीय सेना ने करीब 1350 ऑटोमन सैनिक व 36 अधिकारी बंधक बनाए थे। आज भी इस युद्ध की याद में इसराइल में हाइफा डे मनाते हैं, जिसमें भारत से भी शहीदों के परिवारी जन या जोधपुर राज्य के वर्तमान महाराज गज सिंह जी श्रद्धांजलि देने जाते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों का कहना है कि ऐसी शौर्यपूर्ण जंग न तो पहले कभी लड़ी गई और न ही कभी लड़ी जाएगी। राजपूतों के पराक्रम ने बहादुरी का एक नया आयाम लिखा था। आज भी हम इतिहास के सबसे बड़े सूरमाओं को इस हाइफा दिवस पर शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, जय क्षात्र धर्म, वीर भोग्य वसुंधरा।